स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों, क्या आपको आपकी स्क्रीन पर लाइक का बटन दिख रहा है? दिख ही रहा होगा। अच्छा, तो उसे दबा दीजिए और उसके ऊपर ही एक सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा होगा, उसे भी दबा दीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रहस्यमय कहानी, काली का रहस्यमय रक्षा कवच। कहानी बहुत ही ज्यादा रहस्य से भरी हुई है। ये कहानी मैंने रहस्य नाम के उपन्यास से ली हुई है, जिसके लेखक पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपना एक सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को अपना प्यार जरूर दें। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मैं पूरे 30 साल तक रहा कलकत्ता में, कभी कदा 2-4 दिनों के लिए वाराणसी आना हो जाता था। महाकाली का दर्शन करना मेरा नित्य का कार्य था। मंदिर के मुख्य पुजारी से मेरा संबंध धीरे धीरे घनिष्ठ हो गया था। पुजारी शाक्तमार्गीय बंगाली थे और उनका नाम था तरणीकांत भट्टाचार्य। मैं उन्हें तरणी बाबू कहकर संबोधित करता था। अपना इस प्रकार नाम सुनकर अति प्रसन्न होते थे तरणीकांत महाशय। सुंदर बंग, देसीय शरीर, आकर्षक व्यक्तित्व, बड़ी बड़ी गहरी आंखें, चौड़े ललाट पर लाल सिंदूर का गोल बड़ा सा टीका, गले में रुद्राक्ष की कई छोटी बड़ी मालाएं, चौड़े किनारे की ताड़केश्वरी धोती और गैरिक चादर, दोनों हाथ की उंगलियों में विभिन्न रत्नों से जड़ी सोने की अंगूठियां। आयु बस यही 60 के आसपास। लेकिन कौन कह सकता था भला तरणी बाबू को 60 वर्ष का बूढ़ा? वे तो बस देखने में लगते थे 40 से अधिक नहीं, पूरा बाल काला होने के कारण प्रौढ़ युवक ही लगते थे महाशय। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया था तरणी बाबू ने। इसके अलावा बंगला, संस्कृत और तंत्र का भी अच्छा ज्ञान था उन्हें। तंत्र के कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का अंग्रेजी और बंगला में अनुवाद भी किया था उन्होंने। एक प्रकार से कर्मठ विद्वान और साधक थे तरणी बाबू, इसमें संदेह नहीं। कलकत्ता की काली के परंपरागत पुजारी थे तरणी बाबू। उनके दादा, परदादा और पिता सभी का समय समय पर अधिकार रहा काली मंदिर पर। वैसे तो तरणी बाबू का पैतृक मकान हाजरा रोड में था, लेकिन तरणी बाबू काली गहवर के बगल में बने एक छोटे से कमरे में ही अपना समय अधिक बिताया करते थे। उनसे मिलने जुलने वालों की संख्या नगण्य ही थी। अपनी गुफानुमा कोठरी से बाहर भी कम ही निकलते थे तरणी बाबू। प्रायः कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे या फिर मौन साधे किसी साधना में डूबे रहते। यहां यह बतला देना आवश्यक है कि कलकत्ता के प्रसिद्ध उद्योगपति स्वर्गीय रतन लाल जी सुरेखा से मेरा परिचय तरणी बाबू ने ही करवाया था। बाद में रतन लाल सुरेखा मेरे अंतरंग मित्र बन गए थे। जब सुरेखा जी ने वाराणसी में प्रसिद्ध मानस मंदिर बनवाने का संकल्प किया तो उस परम संकल्प को आदि से अंत तक साकार करने में पूर्ण सहयोग दिया था मैंने। आज भी वाराणसी का गौरव है तुलसी मानस मंदिर, इसमें संदेह नहीं। सन 1960 में अचानक भयंकर रूप से बीमार पड़ गया मैं। रात दिन हर समय बुखार से तप्त रहने लगा शरीर। उन दिनों शिवपुर हावड़ा में रहता था मैं। विशेष रूप से देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बगल में सहस्त्रभुजा काली का मंदिर था। मंदिर के पुजारी कालिंदी मुखोपाध्याय इस परिवार मंदिर में ही रहते थे। उनकी एक लड़की थी श्यामला, किसी स्कूल में पढ़ाती थी। वही कभी कदा आकर मेरा आवश्यक कार्य कर दिया करती थी। धीरे धीरे 15-20 दिन का समय व्यतीत हो गया रोगशैया पर पड़े पड़े। सुरेखा जी वाराणसी में थे, यदि वह रहते तो कोई समस्या नहीं थी। ना जाने कैसे तरणी बाबू को मेरी बीमारी का पता चल गया। तुरंत उन्होंने किसी को भेजा कोई ताबीज देकर। ताबीज को मुझे पहनना था, मैंने उसे गले में पहन लिया। मैंने उसे, हे भगवान, कैसा चमत्कार था वह ताबीज। पहनते ही मेरा ज्वर उतर गया और अपने आप में स्फूर्ति और शक्ति का करने लगा अनुभव। मैं तरणी बाबू का दर्शन करने के लिए व्याकुल हो उठी मेरी आत्मा। रहा न गया, सवेरा होते ही पहुंच गया मैं काली मंदिर। तरणी बाबू मुझे देखकर हल्के से मुस्कराए, बोले, ठीक हो ना? हां, बिल्कुल ठीक हूं, आपके ताबीज ने तो चमत्कार ही कर दिया, मैंने प्रणाम करते हुए कहा। वह ताबीज नहीं था। ऐ, क्या कहा आपने? ताबीज नहीं तो और क्या था? आश्चर्य के भाव से मैंने प्रश्न किया। काली का रक्षा कवच था वह। रक्षा कवच? हां, रक्षा कवच। मेरे दादा रजनीकांत मुखोपाध्याय ने मां काली की आज्ञा से इस रक्षा कवच का निर्माण
और उसकी सिद्धि की थी। एक प्रकार से यह रक्षा कवच मां का कल्याणमय आशीर्वाद है। सभी प्रकार के संकट का निवारण करता है वह। विशेष तांत्रिक क्रिया पद्धति से उसका निर्माण किया जाता है, लेकिन वही कर सकता है जिसे उसकी सिद्धि प्राप्त है, और वह सिद्धि परंपरागत है। तरणी बाबू की बात सुनकर कौतूहल भी हुआ और आश्चर्य भी। मैंने ध्यान से देखा, रक्षा कवच चांदी के सिक्के के बराबर गोलाकार रूप में था और उसके दोनों ओर बंगला भाषा में कुछ लिखा था। उसके दोनों ओर कोढ़े बने थे जिसमें काला धागा फंसकर गले में पहनने योग्य बना दिया गया था। रक्षा कवच में एक अनजाना सा आकर्षण था, वह सोने की तरह चमक रहा था। मेरी आंखें काफी देर तक उस रहस्यमयी वस्तु पर टिकी रही, हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, और जब उसे गले से निकालकर तरनी बाबू को देने लगा तो हंसकर वह बोले, अभी रहने दीजिए, अभी पूर्ण रूपेण स्वस्थ होना है आपको। रक्षा कवच को लगभग 15 दिन और गले में लटकाए रहा मैं। इस अवधि में स्वप्न में नित्य मांग काली का दर्शन होता रहा मुझे। एक दिन अचानक गायब हो गया काली का रक्षा कवच। घबरा गया मैं, काफी खोजने पर भी नहीं मिला। चिंतित हो उठा मैं, तरनी बाबू मांगेंगे तो कहां से लाकर दूंगा रक्षा कवच। भय और संकोच के कारण 4-5 दिन गया नहीं मैं काली मंदिर। श्यामला भी जाती थी दर्शन करने काली मंदिर, रोज नहीं केवल शनिवार को। उसने बतलाया कि तरनी बाबू ने मुझे याद किया है। हे भगवान, अब क्या होगा, रक्षा कवच वापस लेने के लिए ही तरनी बाबू ने मुझे बुलाया है। क्या करूं, कहां से लाऊं रक्षा कवच, कहां से लाकर दूं उसे। मति भ्रष्ट हो गई थी मेरी उस समय। संकोच और लज्जा में डूबा हुआ भयभीत सा किसी प्रकार तरनी बाबू के सामने गया। कुछ बोलूं कुछ कहूं कि उसके पहले ही तरनी बाबू बोल पड़े, कहां थे बंधुवर, इधर आना नहीं हुआ तुम्हारा। मैं मौन साधे रहा, शायद मेरी मानसिक स्थिति को समझ गए थे तरनी बाबू। हंसते हुए बोले, अच्छा अच्छा, रक्षा कवच के लिए परेशान हो, वह तो मेरे पास है, कार्य पूर्ण होने पर स्वयं चला आता है वह मेरे पास। यह सुनकर मैं दंग रह गया एक बारगी। हे भगवान, कैसा चमत्कार है यह। तंत्र मंत्र के विषय में बहुत कुछ पढ़ा और सुना था, कभी उसका प्रत्यक्ष भी अनुभव होगा इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। आंख उठाकर देखा, तरनी बाबू की हथेली पर चमक रहा था रक्षा कवच। अब यहीं से शुरू होती है काली के रहस्यमय रक्षा कवच की अविश्वसनीय और चमत्कार पूर्ण कथा, जिसे सुनाया स्वयं तरनी बाबू ने ही। सन 1888। पूरे मध्य भारत, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैले ठगों के मायाजाल को आमूल चूल नष्ट करने वाले विलियम स्लीमैन की ठगी दमन की कथा का अद्भुत और नशीला सम्मोहन चंदन गंध की तरह संपूर्ण यूरोप पर छा गया था। उस सम्मोहन का प्रभाव प्राच्य विद्या के महान खोजकर्ता रुडयार्ड क्रिपलिंग पर भी पड़ा था। स्लीमैन की आत्मकथा पेपर्स ऑन ठगी पूरी तरह पढ़ चुके थे। क्रिपलिंग साहब बहुत प्रभावित हुए थे महाशय। क्रिपलिंग साहब ने अपनी खोज पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है कि प्रत्येक हत्यारा का अपना एक चेहरा होता है और उसी चेहरे के कारण अंत में पकड़ में आ ही जाता है, लेकिन साधना के गहन अंधकार में आकंठ डूबी हुई रक्त रंजित भक्ति की कोई पहचान नहीं होती। जब कोई दुर्दांत ठग हाथ में लिए हुए पीले रूमाल को जय भवानी का उद्घोष कर किसी निरीह के गर्दन में फंसाकर पूरी ताकत से खींचता है, तब निगूढ़ता के आवेश में कोई टिठहरी मृत्युमय सन्नाटों को तोड़ती हुई किसी बीहड़ के सूखे पेड़ की सूखी डाल पर चीखने लगती है, ची ची ची, 700 वर्ष और करोड़ों निर्मम हत्याएं और जिनके पीछे छिपा महाकाली का विनाशक आह्वान। 1879 के बाद कोई काली भक्त हत्यारा नहीं बचा था। पीले रुमाल से निर्मम हत्या करने वालों का इतिहास समाप्त हो चुका था, लेकिन लोगों की स्मृतियों में वह काला इतिहास अवश्य विद्यमान था। लेकिन क्रिपलिंग की दिलचस्पी ठगों और ठगों के काले इतिहास में नहीं थी, उनकी थी भारत की गुप्त रहस्यमयी दैवीय विद्याओं, विलुप्त सभ्यताओं, आदिम अंधविश्वासों, इंद्रजालों, अशरीरी तत्वों और प्रेतात्माओं तथा पिशाचों में। अपने अतृप्त मन की इसी आकांक्षा से प्रेरित होकर क्रिपलिंग सुदूर कटरवरी से कलकत्ता पहुंचे थे। उस समय उनकी उम्र 30 वर्ष के लगभग थी। क्यों आए थे कलकत्ता क्रिपलिंग साहब इतनी दूर से? अपने अतृप्त मन की आकांक्षा को पूरी करने के लिए मंद स्वर में उत्तर दिया तरनी बाबू ने। फिर आगे की कथा। सीधे पहुंचे क्रिपलिंग साहब कालीघाट। काले चमकीले पत्थर की बनी गले में मुंडमाल पहने कालीघाट की महाकाली की विशाल मूर्ति को जी भर के देखा उस अंग्रेज जिज्ञासु ने।
बड़ी बड़ी आंखें, पैरों के पास पड़ा बलिप्शु, हाथ में बड़ा सा भयंकर खड, गले में नीचे तक लटकती हुई नरमुंड माला, एक हाथ में झूलता हुआ नरमुंड, चंदन और अगरू के सुवासित गंध से भर रहा था मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण। चारों ओर नशीला सा सम्मोहन भी छाया हुआ था। वहां सांझ घिर आई थी। मंदिर में शंख ध्वनि के साथ ही साथ नगाड़ा और झांझ मंजीरे भी बज रहे थे। वातावरण का प्रभाव तत्काल पड़ा क्रिपलिंग साहब पर। मुग्ध भाव से निर्मिनेश निहारते रहे। वह महाकाली की अद्भुत और विलक्षण मूर्ति की ओर न जाने कब तक, और तभी मिले काली मंदिर के मुख्य पुजारी रजनीकांत मुखोपाध्याय। वे मेरे पितामह थे। अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका। 6 फुट से कुछ अधिक ऊंचा कद, भरा हुआ शरीर, गौर वर्ण सामने वाले को सम्मोहित कर दे, ऐसी अद्भुत आंखें। उनके चेहरे पर ओज था, वाणी में मिठास, सिर पर सफेद केशराशि थी जो कंधे तक झूल आई थी, घनी दाढ़ी थी उनकी। रूडयार्ड क्रिपलिंग के बारे में रजनीकांत मुखोपाध्याय ने काफी कुछ सुन रखा था। उन्हें इस बात की भारी प्रसन्नता थी कि क्रिपलिंग साहब भारतीय धार्मिक आस्थाओं के प्रति पूर्वाग्रही नहीं थे, अपितु वे भारतीय देवी देवताओं का आदर सम्मान भी करते थे। आपकी लिखी दी टेम्पल ऑफ देवी मैंने पढ़ी है, रजनीकांत मुखोपाध्याय ने कहा। यह सुनकर आश्चर्य के भाव से क्रिपलिंग महाशय बोले, लेकिन उसकी भाषा तो बहुत ही कठिन है, उसमें अंग्रेजी के कठिन मुहावरों का व्यापक प्रयोग हुआ है। यह सुनकर एक बार रुके मुखोपाध्याय महोदय और फिर बोले, मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA करने के बाद वहां प्रोफेसर भी रह चुका हूं मिस्टर क्रिपलिंग। फिर उन्होंने अंग्रेजी में कहा, शेक्सपियर और वायरन मेरे प्रिय रचनाकार थे, जैसे कि आप हैं। आश्चर्यचकित होकर स्तब्ध भाव से देखने लगे मिस्टर क्रिपलिंग रजनीकांत मुखोपाध्याय की ओर। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने महाकाली के नाम पर बेगुनाहों की हत्या करने वाले ठगों की निंदा अपनी कृतियों में की है, रजनीकांत मुखोपाध्याय महाशय बोले। हमारा हिंदुत्व और उसके विचित्र अवतार घृणा, कत्ल तथा हिंसा नहीं, प्रेम, दया, कृपा, करुणा की व्याख्या करते हैं, भाईचारे का उपदेश देते हैं। मैं संतुष्ट हूं कि आपने हिंदुत्व की आत्मा को भली भांति समझा है। यह सुनकर क्रिपलिंग होठों पर उंगली रखकर कुछ देर तक न जाने क्या सोचते रहे और फिर बोले, फिर यह रक्त रंजित भक्ति कैसी है? अभी अभी मंदिर में 3-4 बकरों की बलि दी गई है। थोड़ा गंभीर होकर रजनीकांत महाशय बोले, इसके रहस्यों से अपरिचित होने के कारण ही आपने इसे रक्त रंजित भक्ति की संज्ञा दी है, लेकिन बात कुछ और ही है म्यू क्रिपलिंग। वह क्या? क्रिपलिंग जिज्ञासु हो उठे। हिंदुत्व के अनुसार जिस जीव में, चाहे वह मनुष्य हो या कोई हो, मनुष्योत्तर प्राणी, यदि उसमें अज्ञानता अपनी चरम सीमा पर है तो उसे पशु की संज्ञा दी जाती है। पशुओं में महापशु छाग यानी बकरा है। बकरे जैसा कोई अन्य पशु नहीं है संसार में, इसी कारण उसका कोई उपयोग नहीं है। उसकी पशुता की चरम सीमा आप इसी से समझ लें कि वह मातृगामी भी है। इससे अधिक क्या हो सकता है पशुता का लक्षण? अन्य पशु मातृगामी नहीं होते, लेकिन बकरा होता है। यह पशुता का चरमोत्कर्ष है। बकरे की बलि वास्तव में अज्ञानता की बलि है, वह हत्या नहीं, वध है। श्री कृष्ण ने कंस की अज्ञानता का वध किया था, उसकी हत्या नहीं। हत्या और वध की परिभाषा में अंतर है। रावण भी अज्ञान और मूर्खता का साकार रूप था, राम को इसीलिए वध करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम का एकमात्र उद्देश्य था कंस और रावण को परम गति प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से दोनों का वध किया गया। यहां भी यही बात है। पशु का अर्थ जीव भाव भी है। बकरे में जो जीव भाव है उसकी प्रगति नहीं है। बकरा मरेगा तो उसका अगला जन्म बकरे का ही होगा, बार बार बकरे के रूप में जन्म लेगा और बार बार उसी रूप में मरेगा भी, क्योंकि किसी अन्य प्राणी के रूप में उसका चरम पशुता के कारण जन्म होना असंभव होता है। उसकी बलि इसलिए मां को साक्षी मानकर दी जाती है कि वह अज्ञान से मुक्त होकर अगले जन्म में कोई अन्य प्राणी के रूप में जन्म ले सके, या फिर अपने निजलोक यक्षलोक चला जाए, क्योंकि वह यक्षलोक का प्राणी माना जाता है। यह तो है एक पक्ष। इसका दूसरा पक्ष है आध्यात्मिक। उसे तभी आपको समझाया जा सकता है जब आप सात्विक भाव और सात्विक वृत्ति से भारतीय अध्यात्म की गहराई में प्रवेश करेंगे। अचानक बोलते बोलते एक बारगी चिहूंक उठे रजनीकांत मुखोपाध्याय।
आप रुक क्यों गए मुखोपाध्याय महोदय, क्रिपलिंग विस्मय से बोले। लेकिन वह महासाधक मौन रहा, कुछ देर तक मौन भाव से देखता रहा स्थिर दृष्टि से क्रिपलिंग के चौड़े ललाट की ओर। उस समय उसके चेहरे पर अचानक चिंता का भाव उभर आया था। क्यों, क्या हुआ, क्रिपलिंग ने उनसे प्रश्न किया, अपनी उंगली से इशारा कर चुप रहने का आदेश दिया मुखोपाध्याय महोदय ने। क्रिपलिंग असमंजस में थे। मुखोपाध्याय महोदय की बड़ी बड़ी गहरी आंखें उस अंग्रेज युवक के गोरे चेहरे का मुआयना कर रही थीं उन क्षणों। शाम का समय हो गया था, मंदिर में महाकाली की मंगला आरती शुरू हो गई थी, नगाड़े की गंभीर ध्वनि गूंजने लगी थी। प्रांगण में एक क्षण, दो क्षण, फिर मौन भंग किया मुखोपाध्याय महाशय ने। उनका स्वर गंभीर था। वे बोले, मैं आप जैसे विद्वान और चिंतक के जीवन पर एक भयंकर अनिष्ट की छाया देख रहा हूं मिस्टर क्रिपलिंग। यह सुनकर रुडियार्ड क्रिपलिंग ने उनकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मैं आपका आशय समझा नहीं मुखोपाध्याय महाशय, इस बार उनका भी स्वर सशक्त हो आया था। आप पर निकट भविष्य में घातक प्रहार होगा। मुखोपाध्याय महाशय बोले, आपकी हत्या की कोशिश की जाएगी। यह सुनकर क्रिपलिंग को आघात लगा, उनका चेहरा निस्तेज हो गया। लेकिन आप चिंता न करें, मुखोपाध्याय महोदय ने उन्हें तसल्ली दी, महाकाली आपकी रक्षा करेंगी, आप मेरे साथ आइए। काली गहवर के पीछे एक छोटा सा कक्ष था, सदियों पुराना। उसकी दीवारें और फर्श पत्थरों की थीं। फर्श पर चटाई और कंबल बिछा था। एक और कोने में घी का दीप जल रहा यक्षाधार पर। निश्चित ही रजनीकांत मुखोपाध्याय का साधना कक्ष था वह। एक ओर रखे एक लकड़ी के संदूक को खोलकर मुखोपाध्याय महोदय ने उसमें से एक बाजूबंद निकाला। महाकाली का यह रक्षा कवच है, यह कवच आपको हर कष्ट से बचाएगा, हर संकट का निवारण करेगा और एक बार मृत्यु से भी आपको बचाएगा। क्रिपलिंग ने उस अद्भुत और विचित्र रक्षा कवच को बड़े ध्यान से देखा। रक्षा कवच के रूप में कौन सी थी वह तंत्र मुद्रा? दुष्ट ग्रह और पैशाचिक शक्तियों को दूर रखने वाले उस यंत्र में एक विशेष प्रकार का सम्मोहन था। उसके मध्य से प्रकाश की एक रहस्यमयी रेखा निकल रही थी। उस आलोक के बिल्कुल शिखर पर एक कांटेदार गुच्छा था। संभवतः ऐसा ही कोई शक्तिशाली दिव्य यंत्र ठगी साहब स्लीमैन ने 759 हत्याएं करने वाले दुर्दांत हत्यारा जवेरा के ठग उम्मेद अली के पास देखा था। मुखोपाध्याय महोदय जी बोले, उसने स्लीमैन साहब से कहा था, ये देवी का जलाल है साहब, जो हमें हर किस्म की आफत से बचाता है। फिर रजनीकांत मुखोपाध्याय ने महाकाली के उस विलक्षण यंत्र को अपने मस्तक से लगाया। क्रिपलिंग ने देखा उनकी आंखें बंद थीं और वे अस्फुट स्वर में कोई मंत्र बुदबुदा रहे थे, शायद काली का जप। उसके बाद मुखोपाध्याय महोदय ने अपनी बंद आंखें खोलीं और बोले, अपनी दाहिनी कलाई आगे बढ़ाओ। उस महाशक्तिशाली यंत्र को क्रिपलिंग के दाहिने हाथ में बांधकर महातंत्र साधक बोले, अब आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अब्बू सी थी वह यंत्र मुद्रा, फिर पूरे जीवन क्रिपलिंग से अलग नहीं है वह, हर क्षण और हर समय वे अपने पास रखते थे वह। सच तो यह है कि वह क्रिपलिंग के व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रतीत ही बन गई। क्रिपलिंग की समस्त कृतियों के मुख पृष्ठ पर बाद के संस्करणों में महाकाली का वह रहस्यमय रक्षा कवच बराबर प्रतीक रूप में अंकित रहा। केवल पुस्तकों में ही नहीं, फ्रेंच रिवेरा स्थित क्रिपलिंग के आवास विला म्यूरेक्स के प्रवेश द्वार पर, उनकी मेजों पर रखी खाक दानियों पर, स्टेशनरी, सिगरेट केशों, आतिशदानों, कमरा गर्म करने वाले रेडिएटर के ग्रिलों, टेबल लैंपों और चांदी के बर्तनों और चाय दानियों प्यालों तथा बर्तनों पर भी वह रहस्यमयी छाप सदा अंकित रही। सूखे उड़ते पत्तों की खड़खड़ाहट में, बारिशों में, गहन सन्नाटों में सूने समुद्र तटों और विद्यावानों में, या चुप चुप गिरते बर्फ के सन्नाटों के बीच क्रिपलिंग जब जब भी जहां जहां जाते काली घाट का वह चिन्ह उनके साथ हमेशा मौजूद रहता। और तो और रूडयार्ड जब दफनाए गए तो उनकी कब्र में उनके शव के साथ काली घाट का वह यंत्र भी मिट्टी में दफना दिया गया था। लंबी बीमारी के बाद क्रिपलिंग की मृत्यु हुई थी किसी दुर्घटना के कारण नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि शव के साथ दफन महाकाली का वह अद्भुत और चमत्कारी यंत्र कब्र की सीमा लांघकर न जाने कब और कैसे अपने आप पहुंच गया था रजनीकांत मुखोपाध्याय की संदूक में। यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, तरणी बाबू बोले। लेकिन अपनी मृत्यु के पहले
क्रिपलिंग एक बार और लगभग मर ही चुके थे। वह कैसे? आश्चर्य से पूछा मैंने। रुडयार्ड क्रिपलिंग सन 1906 की सर्दियों में वीरगंज में थे। हिमालय की उपत्यका में बसे वीरगंज की प्राकृतिक सुषमा अद्भुत और आत्ममोहक तो है ही, उसका पुरातात्विक महत्व भी है। क्रिपलिंग उन दिनों अपनी यात्रा वृत्तात्मक पुस्तक द हेरिटेज टू एशिया लिख रहे थे। उनको जानकारी मिली थी कि वीरगंज का प्रख्यात शिव मंदिर काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से अधिक प्राचीन है और वहां स्थापित शिवलिंग में भगवान शंकर का तीसरा नेत्र असाधारण रूप से जुड़ा हुआ है। आप अपनी पुस्तक में उस असाधारण और विलक्षण मूर्ति का उल्लेख अवश्य करें। मिस्टर क्रिपलिंग, नेपाल में वायसराय के तत्कालीन प्रतिनिधि विलियम सोल ने क्रिपलिंग से कहा था, बतलाया जाता है कि शिवरात्रि के मौके पर वह शिवलिंग जागृत हो जाता है। क्रिपलिंग जब काठमांडू से वीरगंज पहुंचे, दोपहर ढल चुकी थी। रेस्ट हाउस से लगभग 6 मील दूर था शिव मंदिर जहां क्रिपलिंग ठहरे हुए थे। लगभग 3 बजे क्रिपलिंग पहुंचे उस ऐतिहासिक शिव मंदिर में। अपराह्न का समय था। मंदिर के चारों ओर घना जंगल छितरा हुआ था, गहरा सन्नाटा, जनहीन और अराजक वातावरण। क्रिपलिंग थोड़ी ऊंचाई तक पहुंचने पर थोड़ा सा उतर गए और सामने की वीरान सुनसान घाटी का प्राकृतिक दृश्य देखने लगे। दूर दूर तक भाय भाय करता हुआ ब्यावान के बीच 9वीं शताब्दी में बना वीरगंज का विलक्षण शिव मंदिर वहां से अच्छी तरह नजर आ रहा था। मंदिर चारों ओर से घने वृक्षों से घिरा हुआ था जो पांत दर पांत पहाड़ी पर चढ़ते चले गए थे। मंदिर तक पहुंचने के लिए सकरा रास्ता था, बस वही दिखलाई देता था और शेष सारी घाटी वीरान सुनसान निस्तब्ध और बीहट। मंदिर निर्जन था, नितांत सुनसान और खाली। एक रहस्यमयी खामोशी बिखरी हुई थी भीतर, लेकिन न जाने क्यों क्रिपलिंग को लग रहा था कि वे वहां अकेले नहीं हैं। एक अजीब धुंधली सी बेचैनी हावी हो गई थी उन पर। समय देखने के लिए बाईं कलाई पर नजर डाली उन्होंने। शाम के 4 बज रहे थे और तभी वे सहसा एक बारगी चिहुंक उठे। उनकी दाहिनी कलाई खाली थी, महाकाली का रक्षा कवच वहां नहीं था। अचकचा से गए क्रिपलिंग। फिर उन्हें याद आया कि रक्षा कवच वह अपने कमरे में ही छोड़ आए हैं। उन्हें यह भी याद था कि तरोताजा होने के लिए नहाते समय अपना वह यंत्र उन्होंने कमरे की मेज पर ही रख दिया था। लेकिन मंदिर के दहलीज पर क्रिपलिंग जैसे थमक कर रह गए थे। उनके पैरों ने जैसे उन्हें भीतर ले जाने से इनकार कर दिया था, मानो वे कोई अवांछित व्यक्ति थे। कोई अशरीरी शक्ति यह एहसास दिलाती हुई उन्हें वापस लौटने और मंदिर से बाहर निकल जाने का संकेत कर रही थी। अज्ञात आतंक से भरपूर वह पागल सा संकेत किसका था या भ्रम था? क्रिपलिंग का, जो वीरान मंदिर के निस्तब्ध परिवेश में स्वयं उन पर हावी हो गया था। अपने डरावने नाखूनों से उनके तमाम व्यक्तित्व को खरोंचता हुआ सा, एक बनैले पशु जैसा, हिंसक और क्रूर। और तभी नीचे ढलान पर रजनीकांत मुखोपाध्याय नजर आए क्रिपलिंग को। वे ऊपर आने की चेष्टा कर रहे थे, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से क्रिपलिंग की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। वीरगंज के उस ब्यावान जंगली इलाके में कलकत्ता से हजारों मील दूर आए मुखोपाध्याय महोदय को देखकर गहरा विस्मय हुआ क्रिपलिंग को। वे यहां इस वीराने में किस उद्देश्य से आए थे? क्या क्रिपलिंग से मिलने के लिए? संभव है उनका यही उद्देश्य हो? मुखोपाध्याय की ओर देखकर क्रिपलिंग ने हाथ हिलाया और जोर से चिल्लाए, मिस्टर मुखोपाध्याय, मिस्टर मुखोपाध्याय। किंतु क्रिपलिंग की आवाज उस सन्नाटे में गूंज कर रह गई। वहां कहां थे मुखोपाध्याय महाशय? क्रिपलिंग को उनकी उपस्थिति का भ्रम हुआ था। क्रिपलिंग असमंजस में थे। इसके पहले ऐसा दृष्टिभ्रम उन्हें कभी नहीं हुआ था और न ही ऐसा वहम। फिर नीचे ढलान पर कैसे दिखाई दे गए थे मुखोपाध्याय महोदय उन्हें? वे वहां कब और क्यों आए थे? पास की झाड़ियों में खड़खड़ाहट हो रही थी, हवा तेज हो चली थी, लंबे लंबे घने पेड़ों की शाखाएं प्रशाखाएं हवा के झोंकों से हिल हिल जा रही थीं, पत्ते भी मरमर की आवाज कर रहे थे। घने गहरे झुरमुटों में फिर से हलचल हुआ। ऐसा लगा मानो कोई अपने हाथों से उन झुरमुट झाड़ियों को चीरता हुआ मंदिर की ओर आ रहा है। अवश्य कोई व्यक्ति उनका पीछा चुपके चुपके कर रहा था, लेकिन कौन? क्या मुखोपाध्याय महोदय? उत्कर्ण हो उठे क्रिपलिंग। वे स्थिर रह गए थे अपने स्थान पर हथवाक। कोई इंद्रजाल सा मानो घट रहा हो उस जगह। ऐसे व्याकुल इंतजार से वे झुरमुटों की ओर देख रहे थे। अब झाड़ियां हिल रही थीं,
वहां खामोशी छाई हुई थी, लेकिन तब भी पसीने से तरबतर क्रिपलिंग को लग रहा था वहां से अवश्य कोई न कोई बाहर निकलेगा। फिर गहरे झुरमुटों को चीरते हुए बाहर आए दो नेपाली युवक। उनके चेहरे तमतमाए हुए थे, आंखें जल रही थीं, उनके हाथों में तेज धारदार लंबे छुरे थे। डूबते सूरज की म्लान रोशनी में वे चमचमा रहे थे। तुम फिरंगी, उनमें से एक युवक चिल्लाया, तुमने हमारे मंदिर में आने की हिम्मत कैसे की म्लेक्ष? बुरी तरह आतंकित क्रिपलिंग पीछे हटे। उन्हें ऐसे अद्भुत और अप्रत्याशित घटनाक्रम की आशा बिल्कुल नहीं थी। तब तक दूसरा नेपाली भी करीब आ गया क्रिपलिंग के। क्रिपलिंग के दोनों कान झनझन करने लगे। सुषुम्ना अवश्य जान पड़ी उन्हें। खून जैसे पानी हो जाएगा, ऐसी ठंडी दहशत उनकी शिराओं उपशिराओं में दौड़ गई। वे किंचित कांपे भी। तभी एक नेपाली युवक छुरा लहराता हुआ उन पर टूट पड़ा। इसके पहले छुरा क्रिपलिंग के शरीर के पार होता, अचानक ही कोई उस हमलावर पर कूद पड़ा। अचकचाए अच क्रिपलिंग ने देखा, वह काफी लंबी चौड़ी काले रंग की औरत थी, जिसके लंबे घने बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके हाथ में काफी भयानक खड्ग था, वैसा ही खड्ग जिसे कलकत्ता के कालीघाट में मुंडमाला पहने महाकाली के हाथ में क्रिपलिंग ने देखा था। जमीन पर गिरते गिरते क्रिपलिंग ने देखा, अपने खड्ग से उस भयानक रूप रंग वाली औरत ने आक्रमणकारी पर वार किया और उसका कटा हुआ मुंड छिटक कर लुढ़कता हुआ नीचे घाटी में जा गिरा। चारों ओर खून ही खून फैल गया। क्रिपलिंग के कोट पर भी खून के छींटे पड़े। दूसरा आक्रमणकारी अपने साथी की हालत देखकर जान बचाकर भागा। सिर विहीन आक्रमणकारी नेपाली युवक का धड़ जोर जोर से कांपने के बाद शांत हो गया, जिसे उठाकर उस काल रात्रि जैसी औरत ने गहरी घाटी में फेंक दिया और अदृश्य हो गए। घुंघुआते हुए क्रिपलिंग चिल्लाते रहे, काली मां, काली मां, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला भला कौन था वहां। और तभी खट की आवाज हुई और कुछ क्रिपलिंग के पास गिरा। क्रिपलिंग ने देखा, वह महाकाली का रक्षा कवच था, जिसे वे पिछली दोपहर को अपने कमरे में भूल आए थे। तो दोस्तों, ये थी पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी हुई कहानी, काली का रहस्यमय रक्षा कवच। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि यह कहानी आप किस शहर से सुन रहे हैं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप हमारी आने वाली कहानियों से जुड़े रहे। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में, जब तक आप अपना ख्याल रखें।